उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रविवार की सुबह जहरीली टॉफी खाने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि अभी एक अन्य बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि बुधवार की रात वासुदेव प्रजापति की 2 मासूम बेटियां साधना और शालिनी छत पर खेल रही थी। इस दौरान पड़ोसी झोलाछाप डॉक्टर शिवशंकर ने उनकी ओर जहरीली टॉफी फेंक दी थी, जिसे साधना शालिनी ने अपनी चचेरी बहन आरुषि और वर्षा के साथ मिलकर खा लिया था। टॉफी खाने के बाद चारों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। वहीं हालत गंभीर देख साधना और शालिनी और आरुषि को चिल्ड्रन अस्पताल प्रयागराज में रेफर कर दिया गया, जहां साधना और शालिनी ने दम तोड़ दिया। वहीं एक बच्चे की मौत आज सुबह हो गई। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करते हुए शुक्रवार को आरोपी शिवशंकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि साल भर पहले उनकी पत्नी गुड़िया ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं करीब एक महीने पहले उसकी दूसरी पत्नी माया ने भी जहर खाकर आत्महत्या की थी। इस पर मोहल्ले के लोग तंज कसते थे, साथ ही राजकुमार के परिजन आए दिन उसे चिढ़ाते थे। इसी बात से नाराज होकर उसने घटना को अंजाम दिया। वह इस मामले में सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।